हेलो स्टूडेंट्स, अभी आज 7.2 दा छेवा क्वेश्चन देखो। ए बी सी एक अपन सम दो भुज त्रिभुज दी है, मतलब दो भुजा बराबर है दी है, जिद विच ए बी ते ए सी बराबर हैं। भुजा ए बी बी ए नू इस तरह वधाया गया है, बी ए नू उपर तक वधाया आपां कि वह डी ते इस तरह मिलती है कि ए डी बराबर है ए बी, मतलब ए डी ते ए बी दोनों आपस बराबर दिते हुए हैं। सीधी की करना जो अपने को पूरा कोण है, अपने को एक सम कोण है, मतलब यह 90 डी का कोण है। सब तो पहला अपन की दिता ए बी ए डी तो ए सी आपस तीनों बराबर ही दिता अपन। सीधी करना कि अपने को वाला कोण 90 डिग्री का है, बी सी डी मतलब पूरा कोण। सबूत देखो ये सब तो पहला आप छोटे त्रिभुज ए बी सी लई ये देखो कि सम दो भुज त्रिभुज है, यदा मतलब ये जो सामने वाले कोण आ दोनों के आपस बराबर हो गए। इस कोण का नाम एक रख लिया, अपने को बी है, यदा मतलब दोनों कोण आपस बराबर। समीकरण नंबर एक दिता, रिजल्ट लिख लिया मैं जो बोली है। उस तो बाद त्रिभुज ए सी डी मतलब उपर वाले त्रिभुज ले ली, ये भी सम दो भुज त्रिभुज है क्योंकि दो भुजा बराबर है, यदा मतलब सामने वाले ये सामने वाला कोण है ये और इस भुजा के सामने वाला कोण यह, दोनों बराबर हो गए, मतलब कोण डी बराबर है। यदा नाम रख लिया दो, कोण दो आपस बराबर है। समीकरण दो, उस तो बाद मैं दोनों जोड़ लिया, समीकरण एक तो दो जोड़न से की मिले, एक जमा कोण दो बराबर है कोण बी जमा कोण डी। कोण एक तो कोण दो, हुण देखो जो जो कोण एक तो कोण दो आ मिलकर की बनते आ वाला कोण, तिना कोण पूरा कोण बी सी डी, ठीक है आ गया। इधर की आ गया बी कोण बी जमा कोण डी नंबर तीन। हुण त्रिभुज वड्डी ला लईए, आपां पहला सब छोटी छोटी लईए सी, हुण वड्डी ला लईए बी सी डी। हुण इहदे विच त्रिभुज के तिना गुणा जोड़, अंदरूनी गुणा जोड़ 180 डिग्री, कोण बी जमा कोण सी कोण जमा कोण डी बराबर है 180 डिग्री। हुण बी जमा डी का मुल कि अपने को यद मुल भर लिया अपना बी सी डी समीकरण तीन तो, जोड़ा कौन सी है कौन सी नूं मैं इदा भी लिख सकते हैं बी सी डी, यदा मतलब मैं कौन सी नूं बी सी डी भी लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। दोनों ने जोड़ लिया, दो बी सी डी आ गया, दो दूजे साइड जाके भाग हो गया कि आ गया 90 डिग्री। यही आप सिद्ध करना सी। उस तो बाद सैवंथ क्वेश्चन देखो, ए बी सी एक समकोणी त्रिभुज है जिद कोण ए तो 90 डिग्री दिता हुआ, ए बी तो ए सी दोनों आपस बराबर है, कोण बी तो कोण सी पता करना। आप हम सब तो पहला देखो त्रिभुज जी सम कोणी तो सम दो भुजी दोनों चीज़ा ये कोण ए तो 90 डिग्री है और ए सी बराबर है ए बी दिता हुआ लिख लिया। हम ये रिजल्ट है कि जिहड़ियां दो भुजावां बराबर होंगे सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, मतलब ये इस भुजा सामने वाला आ कोण तो इस भुजा के सामने आ वाला कोण, मतलब कोण सी तो कोण बी आपस बराबर होंगे। यदा नंबर एक रख लिया। हम त्रिभुज ए बी सी दे विच की गल है, तिना कोणों का जोड़ कितना होंदा अपने को 180 डिग्री, उस तो बाद कोण ए कितना अपने को 90 डिग्री इक्वेशन दिता हुआ, कोण बी तो सी बराबर है, मैं कोण बी नूं लिख लिया कोण सी जमा कोण सी बराबर 180 डिग्री, 90 जमा दो कोण सी बराबर 180 डिग्री, दो सी कोण सी बराबर है 90, दूजे पास ले जाके कि आ गया सी का मुल आ गया 45, बी ते सी दोनों बराबर है, मतलब बी भी 45 डिग्री, मतलब दोनों कोण अपने को 45 डिग्री दे। सिद्ध करो कि सम भुजी त्रिभुज का हरेक कोण 60 डिग्री का होंदा है। नैक्सट क्वेश्चन है, सम भुजी मतलब हरेक भुजा बराबर है, तो सिद्ध करना कि हरेक कोण अपने को 60 डिग्री का। सब तो पहला त्रिभुज ए बी सी एक सम भुजी त्रिभुज है, सिद्ध करना कि हरेक कोण 60 डिग्री का आपां सिद्ध करना है। सबूत देखो यदा तीनों भुजा आपस बराबर है, यदा मतलब कि देखो जिहड़ियां भुजावां बराबर होंदियां उन्हां दे सामने वाले कोण भी बराबर, यदा मतलब इधरों आ कोण यदा आ कोण ये उपर वाला कोण तीनों कोण बराबर आ गए। उस तो बाद की आ गया त्रिभुज के तिना कोणों जोड़ ला लिया आपां, ए कोण ए जमा कोण बी कोण जमा कोण सी बराबर 180 डिग्री। हुण देखो तीनों कोण बराबर आ, तां मैं की कीता बी ते सी नूं भी ए लिख लिया बराबर 180 डिग्री, तीन वारी ए आ रहा मीनस तीन ए बराबर 180 डिग्री, कोण ए दा आ गया 180 बटा तीन, तीन इधर भाग गुणा च सी जिस साइड जाके भाग हो गया, कोण ए 60 दा, तीनों कोण बराबर है तो मतलब तीनों कोण 60 डिग्री दे, यदा मतलब त्रिभुज ए बी सी दा तीनों कोण के बराबर आ गए 60 डिग्री दे। आंसर